एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग की शुरुआत होती है हमारे चाय से, और अभी हम चाय पीने के बाद जाएंगे, जगह जगह लंगर लगे हुए हैं वो सब देखने के लिए। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम अपनी चाय पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। पर श्रद्धालुओं द्वारा भजन कीर्तन किया जा रहा था, और साथ में यहाँ पर लंगर का भी प्रबंध था, जिसमें कड़ी चावल थे और फलहार में सेब थे। वैसे तो मैंने व्रत रखे हुए थे, पर उनके कहने पे मैंने थोड़ा सा फलहार लिया सेब। चलिए, इसको खत्म करने के बाद हम चलते हैं और जगह। तो पहले हम पानी की बोतल भर लेते हैं, फिर चलते हैं और जगह लंगर देखने के लिए। एक्चुअली आज मुझे फ्री के कैमरामैन मिल गए थे, तो मैं उस वजह से अपने आप को दिखा पा रही हूँ वीडियो में। तो हमने सोचा कि हम इस रास्ते से कभी नहीं गए हैं, तो चलिए आज हम इस रास्ते से नीचे को जाते हैं। फिर नीचे जैसे जा रहे,
इसके बाद हम फिर आगे मंदिर की तरफ और यहाँ पे सत्संग कर रहे थे। इसके बाद हम फिर नीचे आए और जहाँ पे रोप वे था वहाँ पर गए, पर हम उसमें बैठे नहीं थे, पर वहाँ पर रोप वे का प्राइस लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं ये। ये तो आ गए हम एक और लंगर में, ये लगा हुआ था जहाँ पे पार्किंग एरिया था वहीं उसके साथ, और यहाँ राजमा और चावल बने हुए थे। अभी वक्त हो चुका है शाम का और हम फिर दोबारा मंदिर में आ गए। पे आप देख सकते हैं कि शायद इन्होंने मन्नत मांगी होगी और जो पूरी हो गई है उसके बाद ये लेट के माँ के दरबार में आ रहे हैं। तो ये अगले दिन मॉर्निंग का नज़ारा है, आप देख सकते हैं कि ऊपर से कैसा व्यू लग रहा है और सूरज अभी निकल रहा है। के बाद हम फिर से दोबारा गुफा में गए, जो माता की मूर्ति है पहले भी दिखा चुकी हूँ मैं वहाँ पे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।